जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आए बिग अपडेट के बारे में। यहां पर जो हम बात करेंगे नाबिक जीडीडीवी यांत्रिक यानी जनरल ड्यूटी डोमेस्टिक ब्रांच यांत्रिक वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाले हैं। जो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आपके लिए अपडेट आया है, आपके जो 01/1/2023 के जो फॉर्म फिलअप थे उनको लेकर एक बिग अपडेट आया था। काफ़ी स्टूडेंट्स के पास में मेल भी आया है उनकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर, या उनको एसएमएस के जरिए उनको बताया गया था कि भाई आपको क्या करना है कि क्या नहीं करना है। आपकी आपकी जो डैशबोर्ड जिसको आप बोल सकते हैं, जिसको आप अपनी प्रोफाइल बोल सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पर, उसको पूरा यहाँ पर आपने चेक किया होगा। अगर आप में कोई भी मिस्टेक वगैरह हो गई थी आपके फॉर्म फिलअप करते समय, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले कि आप क्या क्या चेंजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में, जो हमारा माता जी का नाम गलत हो गया और या अपना खुद का DOB गलत हो गया, नाम गलत हो गया, तो क्या क्या हम चेंजमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास मेल नहीं आया है या आपके पास SMS नहीं आई है, तो आपको क्या करना है, सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके फॉर्म में बाई चांस कोई भी मिस्टेक होती है, तो फिर आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से पहले ही आपको सुधार का मौका दिया जा रहा है, उसमें आपको पता चलेगा कि भाई हमको क्या क्या सुधार करना है। तो इसके लिए ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट वॉच करें। तो चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करें। वीडियो स्टार्ट करने में रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो मैं पहले आपको शो कर रहा हूँ, ये आपके पास SMS वगैरह इस टाइप का आया होगा, जो आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ये मैसेज आया होगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि एडिट विंडो फॉर CGEPT 01/2023 इज अवेलेबल फ्रॉम 11 अक्टूबर 2022 से लेकर आपका 13 अक्टूबर 2022 तक। इफ़ रिक्वायर्ड चेक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर डिटेल्स। देखिए यहाँ पर आपको बताया कि आपको डिटेल के लिए अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चेक करनी है। आपके अगर अभी तक मेल नहीं आया तो उसको क्या करना है कि आप एक बार रिफ्रेश कर लें अपनी मेल आईडी को, जहाँ पे आप लॉगिन है उसको रिफ्रेश करके एक बार देख लीजिए कि आपके पास मेल आया है। और उसमें अभी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ये जो आपके पास SMS आया इसमें आपको बताया गया है कि भाई क्या क्या आप अपना चेक कर सकते हैं, इसमें आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे क्या क्या आपको बदलना है, जिस नाम जिसमें आपका मिस्टेक है क्या आपको बदलना है, और आप उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका नहीं बदलना है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हम बदलने वाले स्टूडेंट्स की, जिनको बदलना है अपना, जैसे कोई मिस्टेक हो गया तो उसको क्या क्या सही करना। तो मैं आपको वो मेल पहले दिखा देता हूँ कि ये मेल सभी स्टूडेंट्स के मेल आईडी पर आया होगा। अभी तक अगर नहीं आया तो आप उसको एक बार रिफ्रेश ज़रूर कर लें। मैंने जैसे कि बोला, अगर नहीं आया तो अपनी मेल आईडी को एक बार रिफ्रेश कर लें, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसको ही चेक करें, क्योंकि उसी पर आपकी ये मेल आया होगा। तो यहाँ पर लिखा होगा कि डियर कैंडिडेट्स, रिफ़र योर एप्लीकेशन फॉर CGEPT 01/2023, यू हैव बीन गिवन अनदर अपॉर्चुनिटी टू एम। देखिए यहाँ पर आपको एक और मौका दिया जा रहा है कि आप अपने जो आपकी प्रोफाइल है, जिस जो आपका डैशबोर्ड है, उसको आप एडिट कर सकते हैं अगर आप उसको करना चाहें। जैसे कि आपका कोई भी गलत हो गया, अगर आपका फीस वगैरह नहीं कर, विदाउट एनी एडिशनल चार्ज, यानी कोई आपके यहाँ पर चार्ज नहीं लगने वाला। जो आपकी फ़ीस कटी थी एक बार 250 रुपये, वही रहने वाली है, यहाँ पर कोई भी आपकी फ़ीस नहीं कटेगी। और जो आखिरी डेट है, 11 अक्टूबर से आपकी चालू हो गई थी और 13 अक्टूबर, यानी कि आज आपकी आखिरी डेट होने वाली है, तो आप आज के ही आज इसको आप चेक कर लें और उसको अपना अगर आपको एडिट करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए एडिट आपको जो फैसिलिटी मिल रही है अवेलेबल है आपके फील्ड ओनली, किस जिसमें आप क्या क्या अपना चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अपना खुद का नेम आप चेंज कर सकते हैं, कैंडिडेट्स नेम यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अपने पिताजी का नाम भी चेंज कर सकते हैं, देखिए फादर नेम और कैंडिडेट नेम हो गया यहाँ पर। उसके बाद मदर नेम यानी माता जी का नाम भी आप अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा जो आपका मेजर चेंज आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आईडी कार्ड्स को लेकर, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आईडी कार्ड्स नंबर, अगर आपका आधार कार्ड नंबर जैसे आपका गलत हो गया है, या आपका पैन कार्ड नंबर, जो भी आपका मिस्टेक आपने आईडी नंबर डाला था, जैसे 10th की मार्कशीट का कोई भी सीरियल नंबर डाल देते हैं, तो वो भी अगर आपका गलत हो गया तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कन्फर्म आईडी कार्ड नंबर एंड आप उसको आईडी प्रूफ को डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, दोबारा आपको अपलोड करना पड़ेगा। और देखिए चौथा या पांचवा यहाँ पर आपको क्या है, फोटोग्राफ को लेकर, अगर आपकी जगह किसी दूसरे कैंडिडेट्स का फोटो अपलोड हो गया, वैसे ऐसा बहुत कम रेयर रहता है कि किसी का फोटो आपका चेंज हो जाए, तो यहाँ पर आप अपने फोटो भी चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है कि सिग्नेचर को मिस्टेक हो जाती है, तो सिग्नेचर भी आप अपना चेंज कर सकते हैं। और थंब, तो देखिए यहाँ पर आपको हर एक फैसिलिटी यानी टोटल आपको यहाँ काउंट करेंगे तो 8 आपको फैसिलिटी दी जा रही है, तो आप 8 चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पर आप खुद का नाम, दूसरे नंबर पे आप पिताजी का नाम, तीसरे पे माता जी का नाम, और आईडी कार्ड वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, अपनी दूसरी आईडी अपलोड कर सकते हैं, आईडी कार्ड का नंबर आप चेंज कर सकते हैं जैसे आपका गलत हो गया है। आप फोटोग्राफ को भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपने जैसे बाई मिस्टेक देख ली, फोटोग्राफ को लेकर क्या है
कि कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि बिना स्लेट वाली अपनी फ़ोटो लगा देते हैं, यहाँ पर उनका नाम और डेट ऑफ फ़ोटो, नाम और डेट ऑफ फ़ोटो जिसको आप DOP बोलते हैं, वो अगर आपकी ये सिंपल फ़ोटो लग गई है तो अभी आप क्या करिए कि उसको अपडेट कर दीजिए। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो करेक्ट कराइए उसी डेट की, जिस डेट का आपका फॉर्म था उसी डेट की आपकी फ़ोटो खिंचवा के यहाँ पर आप उसमें DOP वाली फ़ोटो ही लगाएं, उसमें आपका नाम लिखा रहना चाहिए क्योंकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप अगर हिंदी में करना चाहते हो हिंदी में, इंग्लिश में इंग्लिश में, या कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गया है तो उसमें आप देख सकते हैं, बट कोई गलत हो गया थंब अगर आप अपना चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि शायद ये मेरा थंब नहीं था या ये ठीक तरीके से नहीं आया है, इसको कैप्चर नहीं ये हो पाया उस पर इंकपॉट पर, तो आप उसको अपलोड करके दोबारा उसको लगा के दोबारा अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल आप 8 चीज़ों को अपना बदल सकते हैं। तो आई होप आपके ये सारे डाउट्स यहाँ पर क्या क्या आपको चेंज करना है आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट्स वगैरह रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।